कलेक्टर, सीपीआई के सेक्रेटरी, बिहार प्रदेश के जाने माने नेता आदरणीय सत्यनारायण सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि कांग्रेस की रैली को आगे आप कम समय में संबोधित करें। आदरणीय सत्यनारायण बाबू, हिंदुस्तान का युवा सम्राट अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी, शरद जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस के तीन राज्य के मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, और इस सभा में आए हुए मजदूर किसान नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, आज गंभीर संकट के दौर से देश हमारा गुजर रहा है। मित्रों, कांग्रेस ने इस रैली को करके एक बहुत बड़ा काम किया। सबसे पहले मैं बिहार राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को बधाई देता हूँ कि आपने कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया है। मित्रों, आज देश में फांसीवाद का सबसे ज्यादा खतरा बढ़ गया। जो इसके खिलाफ बोलता है मरवा देता है या उसको जेल में फूंक देता है, चाहे दाभोलकर हो, कुलवर्ती हो, हमारे पार्टी के नेता गोविंद पंसारे थे या गौरी लंकेश हो, मरवा दिया। कन्हैया को देशद्रोह के मुकदमे में जेल में ठूस दिया। हाँ। अभी फिर तीन बरस के बाद उस पर चार्ज शीट किया। आनंद भाजपा का राज, इसने जो वादा किया था जनता से 14 के चुनाव में, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इसने देश को दूसरे तरफ मोड़ना चाहता। देश के अंदर अभी आपने देखा होगा अखबारों में, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, इनके लिए लोकतंत्र कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है। अभी 21 फरवरी को इन्होंने घोषणा करवाया है कि हम राम मंदिर का नींव डालेंगे चाहे जितना खून हो। अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारता है, गोडसे को माला पहनाता और गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाता, या फांसीवाद का खतरा। इसलिए मित्रों, आज देश में फांसीवाद का खतरा बढ़ गया। इसलिए आज सबसे जरूरी है भाजपा को हराना। हम लोगों ने भी पिछले 25 अक्टूबर को यही 2 से 3 लाख का रैली किया था, भाजपा हराओ देश बचाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज तमाम वाम जनवादी दल के लोग, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लोग बैठे ये इस मंच पर हैं। आज देश में जरूरी है भाजपा को हराना, देश को बचाना। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी हराओ, देश बचाओ, और इसके लिए तमाम वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक मंच पर आकर बिहार से कम एनडीए को रूटेड आउट करो। और ये हो सकता है यदि वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का मोर्चा बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।